Good morning, children. Myself Rashmi Singh. I'm your Hindi teacher of class 4. And today's our topic is Uljhan, which is very short and interesting poem from chapter number 6. And our book name is Rimjhim. So, children, today we will solve some question answer basis on this poem. तो बच्चों आज हम इस कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो आइए बच्चों ब्लैक बोर्ड की ओर ध्यान से देखिए। हल करने से पहले मैं आपको आपकी कोर्स बुक दिखाती हूँ। बच्चों ये है आपकी कोर्स बुक रिमझिम फॉर क्लास 4 एंड टुडेज अवर चैप्टर इज पेज नंबर 32 एंड चैप्टर नंबर 6 उलझन। तो बच्चों आइए इसके जो कुछ प्रश्न हैं उन्हें हम आप और हम मिलकर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, पापा बच्ची को क्या बनाना चाहते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा था कि बच्चे को इस कविता में घर के जितने भी रिश्तेदार हैं, पापा मम्मी चाचा बाबा दादी दीदी सभी कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर पापा अपने बच्चे को बड़े होकर क्या बनाना चाहते हैं, उनकी क्या अभिलाषा है। तो यहाँ पर इसका उत्तर इस प्रकार से होगा बच्चों, पापा बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अच्छा बच्चों डॉक्टर कौन होता है? डॉक्टर वह व्यक्ति होता है जो बीमार व्यक्तियों का इलाज करता है। जब कभी हम लोग बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल। तो डॉक्टर कहाँ पे मिलता है हमें? हॉस्पिटल में मिलता है ना। तो बच्चे पापा बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? डॉक्टर बनाना चाहते हैं ताकि वो समाज की सेवा करे। नेक्स्ट प्रश्न है, मम्मी बच्चे को क्या बनाना चाहती है। जिस प्रकार से कविता में पापा बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, उसी प्रकार से मम्मी की भी अभिलाषा है कि मेरा बच्चा बड़ा होके क्या बने? इंजीनियर बने। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? मम्मी बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहती है। तो बच्चों इंजीनियर कौन होता है? इंजीनियर वह व्यक्ति होता है जो बड़े बड़े मकान होते हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उनको बनाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रोफेसर कौन होते हैं। बच्चों आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ये सारे शब्द आपकी कविता में आए। तो प्रोफेसर क्या होते हैं? जैसे कि अध्यापक होते हैं ना, टीचर होते हैं जो कि आप लोगों को पढ़ाते हैं। तो हमसे जो बड़े टीचर होते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, विद्यालय महाविद्यालयों में जो पढ़ाते हैं बड़े बड़े बच्चों को, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रोफेसर कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रोफेसर अध्यापक होती है जो कॉलेज में पढ़ाती हैं ना बड़े बड़े बच्चों को। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, बाबा बच्चे को फौजी क्यों बनाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर बाबा की अभिलाषा है कि उनका जो पोता है वो बड़ा होकर एक फौजी बने। ऐसा क्यों चाहते हैं बाबा? बाबा ऐसा इसीलिए चाहते हैं क्योंकि उनमें खुद में अपने देश के प्रति प्रेम की भावना भरी हुई है और वो ये चाहते हैं कि बड़ा होकर उनका बच्चा फौजी बने, देश के दुश्मनों से रक्षा करे है ना, और देश की सेवा करे। और इसी कारण वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? एक फौजी बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? पर बाबा बच्चे को फौजी बनाकर देश की सेवा करना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी, जो ये कविता हमने उलझन इस कविता को पढ़ा बच्चों, तो इस कविता में किन किन नातों की बात की गई है? नातों मीन्स रिश्तों की बात की गई है। तो यहाँ पर बहुत सारे रिश्ते जो कि अपने परिवार में आते हैं उनकी बात की गई है, जैसे पापा मम्मी भैया दीदी चाचा बाबा, इन सभी नातों की बात हमारी इस कविता में
की गई है, क्योंकि ये सभी लोग अपने बच्चे को कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन में और आपको करना चाहती हूँ, मगर यहाँ पर मैं इसे मिटाकर यहाँ लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आप ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 6, बच्चे की मन की व्यथा क्या है ये बताइए। मन की व्यथा क्या है? इस कविता में बच्चे की जो मुख्य समस्या है वो क्या है? बच्चों मुख्य समस्या कह लो, व्यथा कह लो, या फिर उलझन कह लो, वो क्या है? ये है कि बच्चे के मन को कोई समझ नहीं रहा है। बच्चे की मन की भावना जो है, मन की व्यथा को परिवार में कोई समझ नहीं रहा है, कोई भी समझ नहीं रहा है। क्या है यहाँ पर? सभी बच्चे के ऊपर अपने मन की बात को छोड़ रहे हैं। कोई भी बच्चे से नहीं पूछ रहा है कि बच्चा दरअसल बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। तो बच्चे की अगर मुख्य समस्या की बात करें तो बच्चे की जो मुख्य समस्या यही है कि कोई भी बच्चे की बात को समझ नहीं रहा है। तो बच्चों आज की हमारी क्लास यही समाप्त होती है। मुझे आशा है कि आज की कक्षा में पढ़ाए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम फिर से एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।